स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आज के लेक्चर में आ, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करने में आसानी हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स के जब आप एक मेटल रॉड को उसी के आइनिक सोलूशन के अंदर डिप करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से मेटल रॉड और उसके सोल्यूशन के दरमियान जो है एक पोटेंशियल सेटअप डिवेलप हो जाता था जिसे हम क्या कहते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं कैसे करते थे बाय कपलिंग इट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है आप देख सकते हैं जब हमने इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज शी इसके साथ कपल किया तो वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आती थी दैट रीडिंग इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट एलिमेंट ठीक है क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हमने uh, जो पोटेंशियल वैल्यू या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका जीरो कंसीडर किया हुआ है ठीक है तो स्टूडेंट्स हमने इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब मैय किया स्टैंडर्ड कंडीशंस पे स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं कि जो सॉल्यूशन होगा मेटल रॉड का वो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी वन मोलर होगी ठीक है टेम्परेचर शुड बी 298 नाइनटी इट्स बिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर शुड बी वन एटमोसफेयर जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमने डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोड uh, पोटेंशियल को मयर किया तो हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स जो थे उनकी जो वैल्यू थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो पॉजिटिव uh, थी और कुछ की क्या आई नेगेटिव आई ठीक है पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही थी कि इन इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन का जीरो है तो जीरो से जो वैल्यू ज्यादा होगी वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी और स्टूडेंट्स जिन इलेक्ट्रो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम था उनकी वैल्यू क्या आई नेगेटिव आई ठीक है जीरो से जो वैल्यू कम होती है वो हम किस में लेते हैं नेगेटिव में लेते हैं तो स्टूडेंट्स फिर हमने क्या किया कि हमने इन डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने सोचा कि हम इन्हें अरेंज करते हैं ठीक है अरेंज किस सेंस में किया कि जिन इलेक्ट्रोड्स जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम था उनको हमने शुरू में मेंशन करते हैं और जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है उनको एंड पे मेंशन करेंगे यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर हम मईर कर रहे हैं तो क्या होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कहेंगे तो जब हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हुए एलिमेंट्स को एक लिस्ट बनाई तो फिर हमने इस लिस्ट को क्या कहा दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ठीक है ये आपके सामने जो लिस्ट है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब आप इस लिस्ट में देखें कि आपके सामने ये एलिमेंट्स हैं और ये इन एलिमेंट्स का रिएक्शन uh, है और इस रिएक्शन के नतीजे में जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज आई हैं वो हमने मेंशन की है अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन देखें जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड था उसकी वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट जीरो जीरो है ठीक है जिन एलिमेंट्स की वैल्यूज कम थी हमने क्या कहा था उसको हमने ऊपर लिखा हाइड्रोजन से और जिनकी वैल्यू हाइड्रोजन uh, की वैल्यू से ज्यादा थी उनको हमने नीचे लिखा ठीक है इसका मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है ठीक है स्टूडेंट्स अब आप अगर इन रिएक्शंस पे गौर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एलिमेंट्स की क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होती है आप जब भी सेल में एलिमेंट को एज uh, एनोड या कैथोड लेते हैं तो स्टूडेंट्स uh, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर रिडक्शन होगी जी स्टूडेंट्स आपको मैंने एक छोटा सा सेंटेंस याद करवाया था कि रेड कैट इट्स मीन की रिडक्शन एट यानी ये वो कंडीशन uh, है जब हमने अपने एलिमेंट्स को गलवेनिक सेल में एज कैथोड लिया उनके ऊपर रिडक्शन हुई और उस रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू आई वो हमने मेंशन कर दी इन ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ठीक है तो इस लिस्ट को अब हम क्या कह सकते हैं दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आइए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पहले डिफाइन करते हैं फिर फर्दर इसको डिस्कस करते हैं जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप, आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेन द एलिमेंट्स आर अरेन्ज इन ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन हाइड्रोजन स्केल द रिजल्टिंग लिस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ठीक है अभी जो हमने आपको लिस्ट दिखाई दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस तरह से डेफिनेशन को जरा दोबारा से देखें यहां पर लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन हाइड्रोजन स्केल ठीक है हाइड्रोजन स्केल का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज रेफरेंस ले रहे हैं यानी इससे कंपेयर करेंगे कि इस एक एलिमेंट की हाइड्रोजन uh, से या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से वैल्यू कम है या ज्यादा है ये स्टूडेंट्स आप इसकी एनालॉगी इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम एक माउंटेन की हाइट को मयर करना चाह रहे हैं ठीक है और हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं सी लेवल ले लें सी लेवल इज जीरो मीटर्स जीरो मीटर्स या सी लेवल को रेफरेंस रखते हुए फिर हम अपने माउंटेन की हाइट को मैर करेंगे कि माउंटेन की हाइट कितने मीटर्स है इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे केस में क्या है कि माउंटेन की हाइट जो है दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है और यहाँ पर जो सी लेवल रेफरेंस है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज केस में रेफरेंस क्या है दैट इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उससे एक एलिमेंट की एलिमेंट uh, का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना ज्यादा है या कितना कम है ठीक है तो इस वजह से हमने कहा है कि ऑन हाइड्रोजन स्केल हम एलिमेंट्स uh, को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है in तो इस लिस्ट को हमने फिर क्या कहा दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिस तरह से अरेंज की गई है दैट इज इन रिडक्शन मोड ठीक है रिडक्शन मोड में ये सीरीज मेंशन है अब रिडक्शन मोड से क्या मुराद है दोबारा से देखें कि एलिमेंट्स को हमने कैथोड कंसीडर किया था गैल्वेनिक सेल में इनके ऊपर रिडक्शन हुई और उसके नतीजे में जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया दैट इज नाउ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डीज एलिमेंट्स ठीक है तो Uh, हम रिडक्शन मोड ही क्यों लेते हैं ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं कि हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका क्यों नहीं लिया कि हमने अपने एलिमेंट्स को एज एनोड क्यों नहीं लिया ठीक है जब हमने इनको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करवाया था तो तब हमने एलिमेंट्स को एनोड क्यों नहीं कंसिडर किया स्टूडेंट्स ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री उनके अकॉर्डिंगली हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रिडक्शन मोड में कन्वेंशनली लिया है ठीक है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये रिएक्शन रिवर्स होकर इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी देखा जा सकता है क्योंकि आयोपेक सिस्टम में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रिडक्शन मोड में रखा गया बाय कन्वेंशन तो इस वजह से हम भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जब भी डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मोड क्या होता है दैट इज द रिडक्शन मोड और आप कह सकते हैं कि ये एक एलिमेंट का क्या है रिडक्शन uh, पोटेंशियल है ठीक है सेकेंड बात करते हैं एक तो रिडक्शन मोड है ठीक है दूसरी बात कि हमारे एलिमेंट्स जो हैं रिडक्शन मोड में जब आप लेंगे तो सेल में दे वर एक्टिंग एज कैथोड ठीक है और अगर आप चाहते हैं कि एक एलिमेंट सेल में एनोड की तरह एक्ट करे तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना पड़ेगा यानी सीरीज में आ, यहां पर देखेंगे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं लेड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लू तो क्या होगा कि ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा ठीक है इस रिएक्शन की डायरेक्शन अब इस तरफ नहीं रहेगी बल्कि रिवर्स हो जाएगी कि लेड विल लूज इलेक्ट्रॉन्स और लेड आइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरह से इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव पॉइंट वन टू सिक्स हो जाएगी एंड पॉजिटिव पॉइंट वन टू सिक्स ये क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है लेड का ठीक है तो जब भी आप एक एलिमेंट को एज एनोड लेना चाहेंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड या रिडक्शन पोटेंशियल की उस वैल्यू के साइन को रिवर्स कर देंगे ठीक है ये बात होगी कि एलिमेंट्स को जब आप इलेक्ट्रोड लें एज एनोड बनाना चाहें सेल में तो फिर आप उसका क्या लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन और जब कैथोड लेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल ही मेंशन है वही लेंगे और रिएक्शन भी वही हो रहा होगा ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये इसकी जो वैल्यूज हैं यानी रिडक्शन की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास दैट विल इफेक्ट बाय चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ठीक है और टेम्परेचर एंड प्रेशर इन तीन चीजों पे अ इनको चेंज कर देने से रिडक्शन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गिवन है वो चेंज हो जाएगा इस वजह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं और उन्हें कॉन्स्टेंट रखते हैं वाइल मईरिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि कंसनट्रेशन शुड बी वन मोलर ठीक है वन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सोलूशन इस तरह से टेम्परेचर शुड बी 298 Kelvin that is equal to 25 degree centigrade. और प्रेशर जो है वो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने लेना है ये कंडीशन के अगर आप अलावा कोई और कंसंट्रेशन uh, या किसी और टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैयर करेंगे तो फिर आपके पास वैल्यूज वो नहीं आएंगी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गिवन है आपके पास वैल्यूज क्या होंगी चेंज हो जाएंगी ठीक है तो ये हमने कॉन्स्टेंट रखना है दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैयर करते हैं तो वो फिर क्या कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है रिडक्शन मोड में है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन मोड अगर हम लेंगे तो क्या होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ठीक है स्टूडेंट अब फर्दर हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें मजीद और क्या इंफॉर्मेशन देती है ठीक है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है आइए उसको देखते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज द प्रोडिक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें इस बात uh, का जवाब दे सकती है कि अगर हम एक सेल डिजाइन करने जा रहे हैं तो क्या वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा ठीक है स्टूडेंट्स uh, जब भी हम कोई साइंटिफिक वर्क करने जाते हैं तो उससे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं ठीक है ऐसा ना हो कि हम एक पूरा जो एक्सपेरिमेंट है डिजाइन करें और बाद में हमें पता चले कि वो तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं था ठीक है इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है चीजें भी वेस्ट होती हैं ठीक है थीके? तो इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा थ्योरी पे वर्कअप किया जाए तो वो थ्योरी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलेगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है कि एक सेल का जो आप सेटअप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो रिएक्शन हो पाएगा या नहीं किस तरह से देखते हैं अगर स्टूडेंट्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रेंडमली दो एलिमेंट्स चूज करती हूँ कि मैं मैंने जिंक चूज किया और मैंने कॉपर को चूज कर लिया ठीक है अब मैं चाहती हूँ कि मैं इनका एक गैल्वेनिक सेल बनाऊं और मैं ये भी आ, देखना चाहती हूँ क्या इनके दरमियान रिएक्शन होगा या नहीं होगा ठीक है तो जिंक देखें लिस्ट में हमारे पास ऊपर है कॉपर क्या है नीचे है ठीक है अब देखते हैं दो कंडीशन हो सकती हैं दोनों को हम जज करेंगे कॉपर और जिंक है ना हमारे पास है एनोड और कैथोड ठीक है दूसरी कंडीशन में इधर भी ले, ले लेते एनोड और कैथोड ठीक है एक कंडीशन क्या होगी कि मैं जिंक को एज एनोड कंसीडर करूं और कैथोड को मैं अपने गेलवेनिक uh, सेल में सॉरी uh, कॉपर को अपनी गेलवेनिक सेल में कैथोड बना लो ठीक है uh, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मैं गेलवेनिक सेल में कॉपर को एनोड बनाऊं और जिंक को कैथोड बनाऊं तो दोनों कंडीशन में देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें कैसे आंसर कर दिए कि रिएक्शन कौन सा फिजिबल होगा और हमें कौन सा सेटअप uh, लेना चाहिए ठीक है ठीक है अब जब एनोड पे आपको पता स्टूडेंट्स क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है ठीक है ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जेड एंड पॉजिटिव टू और टू इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अब यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन हुई तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक का क्या है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तो हमने क्या कहा था कि जब हमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे वैल्यू के साइन को रिवर्स कर देंगे माइनस है तो हमारी वैल्यू क्या होगी अब पॉजिटिव पॉइंट सेवन सिक्स ठीक है जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है पॉजिटिव uh, दोबारा से सुन लीजिए स्टूडेंट्स हमने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास जो बोर्ड है रिडक्शन बोर्ड है ठीक है अगर हमें इस किसी एलिमेंट को एनोड बनाना पड़ता है इन अ सेल तो हमें ये रिएक्शन रिवर्स करते हैं हम ठीक है अब देखिए हमने यही किया था कि जिंक इलेक्ट्रॉन uh, लूज कर रहा है यानी ये रिएक्शन रिवर्स हो रहा है तो जब ये रिएक्शन रिवर्स होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से साइन uh, सिर्फ रिवर्स होगा वैल्यू सेम होगी अब ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी हमें ऑक्सीडेशन की चाहिए थी तो हमने माइनस की बजाय क्या लेंगे पॉजिटिव पॉइंट सेवन सिक्स ठीक है ये लाइन में थोड़ी सी इधर करके ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से ओके okay, जी ई ऑक्सीडेशन वैल्यू क्या आएगी सेवन सिक्स ठीक है ये आ गई और कॉपर कैथोड है कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन होती है तो रिडक्शन के लिए कॉपर आइंस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल में और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से मिल सकता है जिसकी वैल्यू आपके पास है पॉइंट थ्री फोर पॉजिटिव में है ठीक है तो इक्वल हम करते हैं दैट इज पॉइंट थ्री फोर ये इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई है ठीक है अब स्टूडेंट्स ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि जिंक प्लस कॉपर आइंस विल फॉर्म जिंक आइंस एंड कॉपर मेटल ठीक है ये ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आया है तो ओवरऑल रिएक्शन जब हमने ये प्रोसीड करवाएंगे तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी ई नॉड सेल दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी ठीक है पॉइंट सेवन सिक्स प्लस पॉइंट थ्री फोर तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 1.10 ठीक है वैल्यू क्या है पॉजिटिव है अब दूसरी कंडीशन में देखें कि अगर हम एनोड जो है वो कॉपर इस, इस्तेमाल करेंगे या कॉपर यूज करेंगे तो कॉपर की क्या होनी चाहिए ऑक्सीडेशन कॉपर पॉजिटिव टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन पोटेंशियल से वैल्यू माइनस में चली जाएगी फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पहले पॉजिटिव थी थी अब माइनस पॉइंट थ्री फोर होगी जिंक की uh, रिडक्शन होनी चाहिए के थोड़ पे तो जिंक पॉजिटिव टू विल एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू जिंक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें रिडक्शन पोटेंशियल टू माइनस पॉइंट सेवन सिक्स स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि कॉपर सॉलिड प्लस जिंक आइन्स कन्वर्टेड इनटू जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आइंस तो इसका सेल पोटेंशियल हमारे पास क्या आएगा ई नॉड सेल विल बी सम वैल्यूज पॉइंट थ्री फोर एंड माइनस पॉइंट सेवन सिक्स ठीक है तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन पॉइंट वन जीरो वोल्ट अब स्टूडेंट्स हमने दोनों कंडीशंस डिस्कस कर ली अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस तरह से बताएगी कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं स्टूडेंट्स उसके लिए फॉर्मूला ये है कि जब आपके पास गिवन कम्बिनेशन पे सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो फिर आपका रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगा ठीक है फिर आप कहेंगे कि हमारा रिएक्शन क्या है ओके okay है रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है और अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो फिर रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता ठीक है इसका मतलब है कि जो हमारा राइट right कॉम्बिनेशन ये था कि हमें जिंक को एनोड लेना चाहिए था और कॉपर को कैथोड लेना चाहिए था ये तो एक बात होगी अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें किस तरह से पता चला है वो देखते हैं स्टूडेंट्स अब आप देखें कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कम है ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका क्या मतलब है कि वो रिड्यूस नहीं होना चाहता या वो कम रिड्यूस होगा ठीक है रिडक्शन क्या है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर देखें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज थ्री फोर यानी कॉपर रेडिली वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ठीक है वो फॉरन से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहता है तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अगेंस्ट जाके कॉम्बिनेशन बनाएंगे यानी आप उस एलिमेंट को रिड्यूस करवाना चाहते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है तो वो फिर और दूसरी बात कि आप ऐसे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको इंफॉर्मेशन दे रही है कि वो तो रिड्यूस होना चाहता है तो आप उलट कम्बिनेशन फिर बनाएंगे तो फिर तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता ठीक है तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या है कि अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इट्स मीन कि योर कॉम्बिनेशन इज राइट और अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है इसका मतलब कि आपका कॉम्बिनेशन गलत है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम शॉर्ट डिस्कस uh, करें uh, तो फिर हम किस तरह से कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये बात याद रखें स्टूडेंट्स सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स ऊपर की तरफ होंगे उनको आप हमेशा एनोड लेंगे और जो नीचे होंगे उन्हें हम क्या लेंगे कैथोड लेंगे यानी जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम और से कैडमियम इन दोनों को लेती हूं ठीक है अब इन दोनों में से मुझे किसको एनोड बनाना चाहिए और किसको कैथोड बनाना चाहिए अभी मैंने आपसे कहा कि जो एलिमेंट ऊपर होगा ठीक है अपर साइड पे होगा उसको आप क्या लेंगे एनोड और जो नीचे होगा उसको आप क्या लेंगे एज कैथोड ठीक है तो इसका मतलब है कि सोडियम को आप क्या लेंगे एनोड और कैडमियम को आप क्या लेंगे कैथोड लेंगे ठीक है अगर एक और कम्बिनेशन की बात करें एल्यूमिनियम है और मर्करी ले, ले लेते हैं ठीक है एल्यूमिनियम और मर्करी में आप स्टूडेंट्स आप खुद बताएं कि एल्यूमिनियम क्या होगा हमारा एनोड और मरकरी विल बी आर कैथोड ठीक है समझ आ गई ये छोटी सी बात है जब भी आप एक सेल का कंबिनेशन बनाना चाहें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप ऊपर वाले पोर्शन में से एनोड लेंगे और नीचे वाले पोर्शन में से कैथोड लेंगे और अगर आपके एलिमेंट्स के, के दरमियान फासला कम है जैसे सोडियम और कैडमियम है तब भी आप क्या करेंगे कि अपर साइड वाला जो एलिमेंट है उसको एनोड लेंगे और उससे नीचे वाला जो एलिमेंट है उसे क्या लिया जाएगा कैथोड लिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन इज स्टूडेंट्स हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ द वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल्स यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम सेल के वोल्टेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर वर्ड मेंशन हुआ है ये बेसिकली क्या है दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल ठीक है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स uh, को मूव करवाने में जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं हायर uh, पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल किस तरह से हम इसको फर्दर uh, एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे ये वाटरफॉल है तो वाटर जो हाइट पे है दैट इज एट हायर पोटेंशियल ठीक है यानी ये वो पोटेंशियल है या ये वो पॉइंट है जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मौजूद हैं और जहां पानी गिर रहा है जो uh, बॉटम साइड है दैट इज आवर लोअर पोटेंशियल ठीक है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है अब ई एम एफ क्या है कि इस हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आने में कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को हमें कितना फोर्स करना पड़ेगा कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाए दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक है force, तो स्टूडेंट्स वोल्टेज uh, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी रिएक्शन हो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जिंक और कॉपर का है चलिए कोई और एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं हम ले लेते हैं लेड एंड मर्करी ठीक है ये दो एग्जाम्पल्स लेते हैं लेड और मर्करी इन दोनों की हम रिडक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं एक का है पॉइंट वन टू सिक्स और दूसरा uh, हमारे पास है पॉइंट एट एट फाइव दोनों की मैं लिख लेती हूं अब स्टूडेंट्स आप बताएं कि लेड एनोड होगा या मरकरी एनोड होगा क्योंकि लेड जो है सीरीज में ऊपर है तो लेड को मैं क्या लूंगी एनोड लूंगी और मर्करी को क्या लूंगी कैथोड लूंगी ठीक है एनोड एंड कैथोड हमारी बुक में यही एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है इसलिए मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके ठीक है लेड विल ऑक्सीडाइज ठीक है लेड आइंस टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ लेड की रिडक्शन हो रही थी अब हमारे uh, पास जो है उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो वैल्यू ऑपोजिट होगी पॉजिटिव में होगी ई नॉट ऑक्सीडेशन विल बी पॉइंट वन टू सिक्स ठीक है और कैथोड हमने अपना मर्करी लिया था तो मरकरी की रिडक्शन uh, ही होगी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें क्या बता रही है दैट इज पॉजिटिव अब स्टूडेंट्स अगर हम ये चेक करना चाहते हैं क्या हमारा कॉम्बिनेशन ठीक है दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में इसका मतलब कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी रिएक्शन हमारा फिजिबल होगा ये हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी उससे हम ये चीज रिवाइज कर रहे हैं तो सेल पोटेंशियल आप किस तरह से मैद करेंगे सेल विल भी इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस इ नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है वैल्यू इक्वल आएगी यहाँ पर हम एड कर लेते हैं इनको सिक्स फाइव इलेवन इलेवन एंड एट नाइन टेन जीरो एंड वन ठीक है तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई है वोल्टेज की दैट इज़ 1.01 वोल्ट्स, ठीक है तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इन दोनों को ऐड करके वैल्यू हमारे पास आ गई है वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया है तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि जो गेलवेनिक सेल्स हैं दे क्वान्टिटिवली मयर द अमाउंट या आप कह लें कि फोर्स कितनी फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाने में ठीक है वो हमें वोल्ट्स हमारे बताते हैं कि इतने वोल्ट्स आपको फोर्स या एनर्जी आपके लिए रिक्वायर होती है टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल ठीक है नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टूडेंट्स मेटल्स भी मौजूद हैं नॉन मेटल्स भी मौजूद हैं आप देख सकते हैं नॉन मेटल्स हैं हमारे पास आयोडीन है ब्रोमीन uh, है क्लोरीन है फ्लोरीन uh, है दीज आर द नॉन मेटल्स और ऊपर आप मेटल्स देख सकते हैं लिथियम पोटाशियम सोडियम ठीक है अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करती है कि एक मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है या वो रिड्यूस होना चाहता है ठीक है यानी उसकी क्या टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट आसानी से या खुशी से इलेक्ट्रॉन्स uh, को एक्सेप्ट करना चाहता है या अपनी खुशी से इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहता है तो उसके लिए स्टूडेंट्स uh, अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल जी अगर एक एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या आती है पॉजिटिव आती है तब क्या कंडीशन होगी और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एलिमेंट ऐसा है जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी नेगेटिव आएगी तो वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम वो देखने जा रहे हैं अगर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है इट हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ठीक है क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा इसकी रिडक्शन होगी तो अगर आप इसे गलवेनिक सेल में इस्तेमाल करना चाहें एज इलेक्ट्रोड तो आप इसे क्या बनाएंगे कैथोड बनाएंगे क्या नोड बनाएंगे जी कैथोड बनाएंगे क्योंकि कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन होती है सो इट कैन एक्ट एज कैथोड इन द गलवेनिक सेल और तीसरी बात स्टूडेंट्स अगर ये रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स किससे एक्सेप्ट करेगा इसके अगेंस्ट जो दूसरा एलिमेंट है उससे इलेक्ट्रॉन्स खेचेगा ना ठीक है वही तो उसको इलेक्ट्रॉन्स देगा इसका मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है उससे इलेक्ट्रॉन्स खेच रहा है तो ये क्या हुआ है ये आ, बनेगा सॉरी इसकी आ, खुद रिडक्शन हो रही है तो ये क्या बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट्स आप ये कैसे याद रख सकते हैं एजेंट्स का क्या काम होता है वो दूसरों की हेल्प करते हैं ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है ये दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा खुद क्या होगा रिड्यूस होगा खुद ऑपोजिट फिनोमिना होगा अगर आपको कहीं भी कहा जाए दैट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका ये मतलब नहीं कि वो खुद ऑक्सीडाइज होगा इसका मतलब है कि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स खेचेगा और खुद रिड्यूस होगा ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका मतलब है दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा ठीक है याद रहे जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात आए तो इसका मतलब है है कि एलिमेंट की इस से ऑपोजिट होगा यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसकी सेल्फ क्या हो जाएगी रिडक्शन हो जाएगी एलिमेंट को क्या कर देगा अः uh, ऑक्सीडाइज कर देगा ठीक है अगर एलिमेंट ऐसा है जिसके रिडक्शन पोटेंशियल uh, की वैल्यू क्या है नेगेटिव है तो फिर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है रिडक्शन पोटेंशियल कम है नेगेटिव में है इसका मतलब है वो रिड्यूस नहीं होना चाहता मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन या आप टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहता वो रिड्यूस नहीं होना चाहता तो वो क्या होना चाहेगा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा ये नहीं चाहेगा कि उसकी ऑक्सीडेशन हो वो इलेक्ट्रॉन्स दे दे ठीक है अगर ये इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है ऑक्सीडेशन इसके ऊपर होगी तो फिर गल्बेनिक सेल में आप इसे एज एनोड इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है ठीक है और अगेन अगर ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो इसके अगेंस्ट जो एलिमेंट आएगा ये उसकी क्या कर देगा रिडक्शन कर देगा तो फिर ये क्या हुआ ये दूसरे एलिमेंट का क्या काम कर रहा है कि तो उसको रिड्यूस करवा रहा है तो ये क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ठीक है तो लास्ट थिंग इज इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट अब स्टूडेंट्स समराइज करते हैं इसका मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल में जिन एलिमेंट्स की ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो क्या होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे और जिन एलिमेंट्स की ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वो क्या होंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे एग्जाम्पल्स देखते हैं अब स्टूडेंट्स Uh, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है लिथियम की इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है दैट इज द लिथियम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू तो ये क्या होगा दैट विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है दूसरी बात स्टूडेंट्स uh, हमने कहा था कि रिडक्शन uh, पोटेंशियल में जिसकी वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव होगी तो वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इसका मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है रिडक्शन पोटेंशियल की फ्लोरीन की पॉजिटिव 2.87 इट्स मीन की फ्लोरीन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है तो मैं यहां पर एरो यहां पर इस तरह से लगा देती हूं कि ऊपर से नीचे जाते हुए इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है ये रो पर इस तरह से ठीक है और दूसरी तरफ देखिए हमने क्या कहा था कि जिस एलिमेंट uh, की uh, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा इट्स मीन कि नीचे से ऊपर जाते हुए रिड्यूसिंग एजेंट uh, या आप कह लेंगे स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है तो मैं एरो यहां पर इस तरह से लगा दूंगी और मैं यहां इस एरो पे क्या लिख देती हूं इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है इसका मतलब है स्टूडेंट्स लिथियम पोटासियम सोडियम मैग्नीशियम ये क्या होंगे ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे क्योंकि इनकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में है ठीक है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा लिथियम होगा अगेन रिड्यूसिंग एजेंट कौन है जो दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए ऑक्सीडाइज हो जाए इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स लिथियम इट्स सेल्फ इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है ठीक है अगर ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो लिथियम को आप क्या ले सकते हैं एनोड ले सकते हैं कि कैथोड ले सकते हैं जी लिथियम ऑक्सीडाइज होना चाहता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो यू कैन टेक लिथियम एज एनोड इन द गवानिक सेल ठीक है और इसका मतलब है कि फ्लोरीन है ब्रोमीन uh, uh, है क्लोरीन है इनकी क्या है पॉजिटिव वैल्यूज uh, काफी ज्यादा है तो ये क्या होंगे दे विल एक्ट एज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बॉटम पे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो क्या है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं टॉप पे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो क्या हैं? दे आर एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करते हैं जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं दैट इज रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से स्टूडेंट्स हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि कौन से मेटल्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव होंगे और कौन से मेटल्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होंगे इन अ केमिकल रिएक्शन तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम एक रिलेशन uh, लिखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टू दिडक्शन पोटेंशियल यानी स्टूडेंट ये दोनों चीजें इनवर्स रिलेशन में है इसका मतलब है कि अगर मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब पॉजिटिव होगी तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी कम होगी यानी वो मेटल क्या होगा लेस रिएक्टिव होगा और अगर मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी मतलब नेगेटिव होगी तो फिर इस तरह के मेटल्स क्या होंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे तो इस बेसिस पे अगर हम मेटल्स को कैटेगराइज करें तो तीन कैटेगरीज आएंगी पहली होगी हाईली रिएक्टिव मेटल्स की ठीक है हाईली रिएक्टिव मेटल्स अभी हमने देखा कौन से होंगे जिनकी E नॉर्ड की वैल्यू जो है E इन रिडक्शन वैल्यू क्या होगी मोर नेगेटिव यानी माइनस टू जैसे है ठीक है ये मोर नेगेटिव होगी इसमें हमारे पास अगर हम एग्जांपल्स कंसीडर करें तो लिथियम आता है सोडियम है और पोटेशियम है ठीक है इन मेटल्स की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है और ये क्या होंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे ठीक है इसी तरह से सेकंड कैटेगरी हमारे पास बनती है ऐसे मेटल्स जिनकी ई रिडक्शन वैल्यू वेरी क्लोज टू वेरी क्लोज टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या है जीरो है वेरी क्लोज टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब नेगेटिव होगी लेकिन कम नेगेटिव है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के करीब करीब है तो इस तरह के मेटल्स जो होंगे वो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं और अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास इसमें आता है लेड आता है निकल आता है टेन आता है ठीक है ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई ऐसे मेटल्स uh, की जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बहुत ज्यादा करीब है यानी वैल्यूज नेगेटिव हैं लेकिन इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं है तो ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं और इसी तरह से स्टूडेंट्स थर्ड टाइप हमारे पास मेटल्स की आती है जो कि क्या होंगी वीकली रिएक्टिव मेटल्स वीकली रिएक्टिव मेटल्स का मतलब है कि उनकी इन e की वैल्यू इन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी ठीक है तो इस तरह की एलिमेंट्स हमारे पास ये मेटल्स आपके लिए कौन से होंगे कॉपर है सिल्वर है गोल्ड है ठीक है तो इन मेटल्स को हम क्या कहते हैं कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं ठीक है क्योंकि इन कॉइनेज मेटल्स का क्या मतलब है कि इन मेटल्स से क्वाइंस भी बनते थे जैसे सोने के सिक्के गोल्ड है आ, चांदी के सिक्के और इसी तरह से कॉपर इसके भी कॉइन्स बनते हैं ठीक है स्टूडेंट्स फर्दर ये केमिकल uh, रिएक्टिविटी हम केमिकल रिएक्शन में किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम कैसे रिलेट करेंगे रिडक्शन uh, पोटेंशियल के साथ उसको देखते हैं स्टूडेंट्स आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आयरन क्रोमियम जिंक मैग्नीज एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो जब हम इन्हें स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते तो ये रेडिली रिएक्ट करती हैं और रिस्पेक्टिव मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ठीक है इन रिएक्शन फास्ट होता है स्टूडेंट्स इसी तरह से अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उन मेटल्स को कंसिडर करते हैं जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है वेरी क्लोज टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसे कि आपके सामने लेड है टिन है निकल है कोबॉल्ट है और कैडमियम है स्टूडेंट्स जब हम इन्हें स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है तो ये स्लोली रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होती है यानी कि जिस मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो लेस रिएक्टिव होगा और जिस मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ही हाईली रिएक्टिव मेटल कंसीडर किया जाएगा तो स्टूडेंट्स ये हमने सेमराइज किया कि हमें कैसे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से पता चल सकती है आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड यानी कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक जर्नल रिएक्शन में यहाँ पर लिख रही हूँ कि क्या चेंजेस आती हैं मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा मेटल को मैं एम से डोनेट कर रही हूँ और डाइल्यूट एसिड एसिड में क्या मौजूद होता है प्रोटोन ये इसका नेगेटिव आएंगे ठीक है सोल्यूशन में मौजूद होंगे और जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल की क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा आयनिक फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर एंटर हो जाएगा ठीक है और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा इसकी रिडक्शन होगी हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में से बबल आउट हो जाएगी ठीक है तो ये केमिकल रिएक्शन होता है जब डाइल्यूट एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं या मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है स्टूडेंट्स अब हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेटल की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन तो ऐसे मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उनकी रिएक्टिविटी हमने क्या पढ़ी थी ज्यादा होगी क्योंकि वो बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टूडेंट्स आप देखें कि जिंक मैग्नीशियम और कैल्शियम इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज क्या है नेगेटिव है ई नॉड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है नेगेटिव है सीरीज में ये टॉप पर मौजूद होते हैं तो इसका क्या मतलब है दे दीज मेटल्स विल रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स और ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होगी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन लेकिन ऐसे मेटल्स जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगी इट्स मीन वो रेडली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते कौन से हैं सिल्वर है गोल्ड है कॉपर है ठीक है थीके? तो जब आप इनको डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा और या आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं होगी तो अगेन वही बात होगी ई e नॉट रिडक्शन uh, वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी उतने ही मेटल्स क्या होंगे रिएक्टिव होंगे और इन और रिडक्शन वैल्यू जितनी पॉजिटिव होगी या जितनी ज्यादा होगी उतनी मेटल्स क्या होंगे कम रिएक्टिव होंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन आएगा ठीक है यानी एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल को उसके आयनिक सॉल्यूशन में से या उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर मौजूद हो यानी कि जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर मौजूद होंगे वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं यानी नीचे वाले मेटल का हमने क्या लेना है एक्वा सोल्यूशन लेना उसके सॉल्ट का और ऊपर जो मेटल्स uh, मौजूद होंगे उन्हें आप अगर सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा ठीक है किस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आयरन है इसको अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या रिएक्शन होगा आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा यानी यहाँ क्या चेंज आया है कि आयरन सॉलिड फॉर्म में था आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं आयरन की क्या हो गई है ऑक्सीडेशन हो गई है ठीक है और कॉपर में क्या चेंज आया है स्टूडेंट्स के कॉपर सॉल्यूशन में आयनिक फॉर्म में था उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो कॉपर की क्या हुई रिडक्शन हुई तो स्टूडेंट्स इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मेटल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर मौजूद होते हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है दे रेडिली वॉन्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स यानी वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं और जो नीचे वाले मेटल्स हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ क्या होती हैं ज़्यादा होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं और रिड्यूस होना चाहते हैं इसीलिए हमने कहा कि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर मौजूद होगा वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके आयनिक सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है ठीक है तो इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स जब हम सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर ठीक है इसका रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे क्या ये रिएक्शन हो सकता है या नहीं अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कॉपर uh, जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर मौजूद है सिल्वर से सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे मौजूद है इसीलिए कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है तो ये रिएक्शन होगा अब आप देखेंगे हमने सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में जब कॉपर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है ब्लू कलर हो रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कॉपर नाइट्रेट के सोल्यूशन को और आप देख सकते हैं कि कॉपर के ऊपर सिल्वर प्रेसिपिटेट्स डिपॉजिट होते जा रहे हैं यानी पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिजिबल था तो इसका रिएक्शन हम कंप्लीट लिख देते हैं कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से सिल्वर या सॉलिड जो है वो डिपॉजिट हो गया अब एक और रिएक्शन मैं लिखूंगी और आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ऑब्जर्व करते हुए बताना है क्या वो रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा ठीक है अब जिंक का रिएक्शन मैग्नीशियम सल्फेट में स्टूडेंट्स अब आप देखें जब हमने जिंक रॉड को मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया तो आप देख सकते हैं कि कोई चेंजेस नहीं आए इसका मतलब कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा ऐसा क्यों है ये रिएक्शन फिजिबल क्यों नहीं हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑब्जर्व करें कि हमने कहा था कि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा वो डिस्प्लेस कर सकता है अपने से नीचे वाले एलिमेंट मेटल को तो अब आप देखें यहां पर जिंक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे मौजूद है एज कंपैरिजन टू मैग्नीशियम तो इस वजह से जिंक जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता लेकिन मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता था और आप देखिए हमारे रिएक्शन में हम जिंक जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा हम लिख देते हैं नो रिएक्शन ठीक है तो ये बात आपको समझ आ गई जिन मेटल्स का आ, जो मेटल्स रेडिली ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं वही डिस्प्लेस करेंगे दूसरे मेटल्स को या सिंपल कह सकते हैं कि ऐसे मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर मौजूद हैं, वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं आइए स्टूडेंट्स एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का पार्ट सी है सोडियम एंड पोटासियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन

एसिड में से एसिड का क्या मतलब है कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो आयनिक फॉर्म में मौजूद है ठीक है अब मेटल डिस्प्लेस करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ठीक है ये रिएक्शन होगा अब स्टूडेंट्स हाइड्रोजन को कौन से मेटल्स डिस्प्लेस कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल uh, सीरीज में इससे ऊपर मौजूद हो यानी जीरो से ऊपर कौन सी वैल्यू होगी नेगेटिव वैल्यू होगी अब आप देखें सोडियम और पोटासियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज क्या है नेगेटिव हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड ठीक है ये एनईसीएल बन जाएगा साथ हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट हो जाएगी ठीक है इसको हम बैलेंस कर लेते हैं इस तरह से ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम जो है वो ऊपर मौजूद है नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है इसका सोडियम विल रेडिली लूजेज इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और रिएक्शन फिजिबल है ठीक है अब बात आती है कि प्लैटिनम प्लाटिनम और कॉपर ये क्यों नहीं रिएक्ट करते डाइल्यूट एसिड्स के साथ उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है जीरो है अब कॉपर और प्लैटिनम प्लैटिनम इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है ठीक है आप देख सकते हैं कॉपर की यहाँ पर गिवन है पॉजिटिव पॉइंट थ्री फोर वोल्ट इसका मतलब है कि ये तो हाइड्रोजन से सीरीज में नीचे मौजूद है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते ठीक है डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल को ऊपर मौजूद होना चाहिए उस मेटल से जिसको वो डिस्प्लेस करना चाहता है तो हाइड्रोजन से ये तो सीरीज में नीचे मौजूद है ठीक है इनका रिडक्शन पोटेंशियल आप देखें पॉजिटिव पॉइंट थ्री फोर है जिसकी वजह से ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा कॉपर जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता ठीक है यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट था जो हमने इस क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है सिंपल है कि जो मेटल सीरीज में ऊपर मौजूद होगा वो अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता हाइड्रोजन जीरो पे था और जीरो से ऊपर वाले जो मेटल्स होंगी उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा सोडियम और पोटासियम इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज क्या है नेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है फ्रॉम होम सोल्यूशन और कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हम अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिटेल में डिस्कस किया और फर्दर उसकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज